quick. Dig, 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 dig. सकते हैं ताकि मुझे लगे कि आप आसपास हो गई। पाने 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 हिल रहा नहीं ये। हाय मेरा नाम है ओम और हाँ मेरे हाथ में कुछ दिख रहा होगा, मेरे साथ कैमरे में पांडे है। कैमरा पांडे पकड़ रहा था तो पांडे ने बोला भाई कैमरे के सामने जा रहा है जींस डाल ले, बड़ा अजीब सा लगेगा भाई। मेरे को सर बताऊँ बहुत गर्मी लगती है, मैं अगर साथ में आके ऐसे अकेले जाता हूँ ना तो मैं ऐसे तो बनानी होती वीडियो, तो मैं अक्सर कच्छे में रहता हूँ, जूते वूते बहुत कम डालता हूँ। अगर ऐसी जगह पर जाना तो मैं नहीं डालता हूँ, अगर झाड़ी में जाना जंगल में जाना है तो मैं जूते डाल लेता हूँ, क्योंकि गर्मी ना देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, तो इसलिए गर्मी काफ़ी लग रही है। इसको हम रखते हैं साइड में। फिर आज क्या है, आज है रक्षाबंधन का दिन। हाँ मैंने अपनी बहनों से राखी बंधवा ली है और एक चीज़ रह गई थी, मेरी एक बहन और ही और है जिसको मैंने बहन माना था बहुत पहले, जब मैं नया नया आया था लाइक हॉन्टेड कैटेगरी में, तो मैं शमशान घाट के बाहर आया था वीडियो बनाने, पास के एक भाई ने मेरे को एक वीडियो बताया था कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है। देखो मैं शॉर्टकट में थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। एक लड़की थी सालू और कोमल, लाइक उस दोनों उस लड़के का एक ही नाम था, उसको ऐसे ऐसे बुलाया जाता था, कोई सालू कहता था कोई कोमल कहते थे उसके घर वाले। तो उसके दहेज के चक्कर में उसको उसके घर ने उसके घर वाले थे उसके ससुराल वालों ने उसको इतना मारा कि लाइक वो अधमेरी हो गई। वो अधमेरी हो गई तो उसको अधमेरी हालत में ला के लाइक वो लोग बार बार दहेज मांगते थे, दहेज मांगते थे। सालू परेशान हो गई थी, उसने दिया नहीं था, लाइक वो अपने घर से कितनी बार दहेज मांगे तो उसे मना कर दिया था। तो उसके ससुराल वाले ने उसको इतना मारा कि वो अधमेरी हालत में हो गई। जब वो अधमेरी हालत में हो गई तो उसको इस शमशान घाट के अंदर ला के उन लोगों ने अधमेरी हालत में जो यहाँ केयर टेकर था उसको पैसे दे के ज़्यादा पैसे दे के उसको जिंदा जला दिया था, जिंदा ही जला दी था, अग्नि के हवाले कर दिया। कहते हैं उसके बाद यहाँ पे उसकी आत्मा भटकती। देखो मैं जब आया था ना तो मेरे को ऐसे उसने भाई भाई बोला था और किसी के हंसने की आवाज़ आई थी अभी, शायद वो खुश हो देख के कि उनका भाई आया। देखो तो जब मैं ना यहाँ पे ना अक्सर आता हूँ बहुत, मैंने आज तक ये बात किसी को बताई नहीं, मैंने बहुत पहले पांडे को बताया था कि मैंने किसी के सुनो एक है जो दुनिया में है नहीं, मैं उसने मेरे को भाई बोला था तो मैं उसको बहन मानता हूँ। तो पांडे ने यही बोला मेरे को, देख भाई वो ना चीज़ ना देख हानिकारक भी हो सकती है, वो इस दुनिया में नहीं है, वो किसी के पायलों की आवाज़, ये तो मेरे ये तो लाइक मेरी राखियाँ बज रही बट किसी के पायलों की आवाज़ थी तो वो उधर से आई थी। तो पांडे ने बोला भाई देख वो इस दुनिया में है नहीं बट वो ये भी चाहेंगे कि तू इस दुनिया से चला जाए एंड उनके पास हो, उनके पास जाए ताकि उनका अकेलापन दूर हो। मैंने कहा नहीं यार, उनको बहन बोला। अक्सर जब मैं यहाँ पे ना बहुत बार लाइक महीने में भी मैं ना घर से बहुत दूर है ये जगह बट महीने में भी मैं यहाँ पे 4 से 6 बार आ जाता हूँ, एक अटैचमेंट हो गई इस जगह से और आते के साथ ना मुझे कुछ एहसास होता है जैसे मुझे कोई देख रहा है कोई चल रहा है। तो मैंने वही राखी लेके आया हूँ ये देखने के लिए कि क्या ये जो बहन इस दुनिया में है नहीं क्या वो मुझे वो राखी बांधेगी, क्या वो अपने होने का एहसास करवाएगी। एक बार क्या अंदर चल के देखते हैं, थोड़ा चलते हैं, बहुत बार दिखा दिया है बट ये राखी आज तक ऐसा किसी ने आई डोंट नो किया है कि नहीं किया बट राखी कभी किसी जो जो इस दुनिया में है नहीं वो भूत से राखी बंधवाना पॉसिबल होगा कि नहीं, बट करते हैं देखते हैं कि क्या होता है। आ जाओ बट हम ये ना शमशान घाट के अंदर नहीं करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है वहाँ पे किसी की चिता जल रही है, तो हम शमशान घाट के बाहर रहेंगे। अगर आपको चांद दिख रहा है पाने, अगर चांद दिख रहा हो तो चांद ना आज पूरे लाइक पूरा जैसे चांद ऐसा होता है ना तब कहते हैं एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जो ये शक्तियाँ होती हैं वो अपने पूरे लाइक उनको लाइक जैसे फ़ोन की बैटरी ना 50% होती है 60% होती है, तो वैसे आज इनकी बैटरी नहीं बोलो इनकी एनर्जी 100% लाइक वो किसी भी चीज़ को हिला सकते कुछ कर सकते क्योंकि चांद ऐसे पूरा जब होता है तब कहा जाता है, कितनी सच्चाई कितनी वो देखेंगे। पर थोड़ा सा अंदर आते हैं शमशान घाट के अंदर, बस मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से लाइक बस ये बोलूँगा कि बहन मैं आया हूँ और फिर हम चलेंगे बाहर की तरफ। क्या आस पास हो बहन आप, इधर के बन गए ऐसे नलके है वहाँ पे किसी की चिता चल रही है पढ़ने वो दिख चिता दिख रही है, थोड़ा जूम कर अगर हो सके तो गाइस बस 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 वो दिख रहा है जैसे वहाँ पे किसी की चिता चल रही है। हे भगवान
तो बहन मैं आया हूँ और मैं आपका बाहर वेट कर रहा हूँ, अगर आसपास आप कहीं हो तो। पर गाड़ी के पास कोई लग रहा है, गाड़ी के पास कोई लग रहा है। आपका भाई आपसे राखी बंधवाने आया है क्या? आसपास हो आप तो आओ, हम बाहर की तरफ आ गए हैं। बहन अगर आप मेरी बातें सुन पा रहे हो या फिर मेरे को देख पा रहे हो तो कुछ भी ऐसा करके दिखा सकते हो ताकि जिससे मुझे लगे कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। आवाज़ देख रहा है, रोने की आवाज़ आ रही है। पहन देखिए रोए ना, मैं आया हूँ आपसे मिलने। मैं आपसे मिलने आप रोए ना। गाइस ये राखी, ये मिठाई और ये गिफ्ट। गिफ्ट में सोच रहे हैं क्या है। गिफ्ट में मैंने उनकी फ़ोटो ही निकाल के लेके आया हूँ। उनके जो भाई थे उनसे मैंने फ़ोटो मांगी, मैं लेके आया उनके लिए। और ये रोने की आवाज़ आ रही है, एक तो इधर इधर की तरफ से लग रही है। मैंने आपका कुछ करके दिखा सकते हैं ताकि मुझे लगे कि आप आसपास हो गई। पांडे हिल रहा ना ये कुत्ता ही हो रहा है। ऐसे कुत्ते को कहते हैं कि कुत्ते को अच्छे देखते हैं। बहन अगर आप ये हिला रहे तो एक बार आप क्या रोक सकते हैं? ये आप रोक देंगे अगर मुझे? मैं समझ गया हूँ कि ये आप हिला रही हैं, पर कंफर्म कर लें, दोबारा पूछ लो क्या बहन के। एक बार आप वही बहन है, कोमल सालो बहन, आपका भाई हूँ क्या? आप वही हैं तो प्लीज़ एक बार दोबारा उसको हिलाएं। हिल रहा है, जूम कर हिल रहा। बस बहन, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे राखी बंधवाने आया हूँ। आप आइए, इस राखी को उठाइए और ऐसा लग रहा है उस तरफ है ना। मैंने ये राखी, देखिए बहन रोए ना आप, पहली बात तो रोए ना, मैं चला जाऊँगा अगर आप रोएंगी तो। देखो यार मैं ना लाइक जिसको बहन मानो उसको दिल से मानो, मैं बहुत जगह गया तो थोड़ा लाइट पीछे रखना, कैमरा आगे करना यार, मेरे को दिख नहीं रहा कैमरा किस तरफ है। हाँ तो जिसको भी बहन मानते हैं उसको हम फर्ज निभाते ही हैं, बट ये शायद एक अटैचमेंट है। मैं बहुत बार आता हूँ। मैं अंदर ही बैठे रहते हैं, अंदर ही हम बैठे रहते हैं, हम सारे दोस्त लोग, सभी मेरे दोस्तों को पता है कि वो लाइक ना उनके होने का एहसास होता है, बट उन्होंने कभी हमें या मेरे दोस्तों को कभी भी हार्म नहीं पहुंचाया, उन्होंने कभी किसी को नहीं पहुंचाया। वो दिखती हैं, लोगों से बातें करना चाहते हैं। वहीं चलते हैं पढ़ने, या फिर यहाँ पे ये राखी रखे हैं, उनको बोलें कि आओ बहन कुछ है ना। हाँ शमशान घाट के अंदर नहीं जाना चाह रहे बहन, आप यहीं पर आए और ये राखी मुझे बांधें अगर आप बांध सकती हैं तो। मैं इसको रखता हूँ है ना। तो गाइस करना क्या चाहिए था, मुझे इतना प्लेटें लेके आनी चाहिए थी ना, मेरे को इतना आइडिया नहीं क्योंकि मैंने राखी बंधवाई है, कभी बांधी नहीं है तो मेरे को इतना पता भी नहीं है। देख रहे होगे यहाँ पे मैंने राखी रख दी है और यहाँ पे मिठाई का डब्बा रख दिया। मैं मिठाई का डब्बा खोल के रख देता हूँ, क्या बोलते हैं मैंने। क्या बहन आप मुझे सुन पा रही हो? सुन बहन, आपका भाई ओम, क्या मैं नाम लोगे एक बार? ओम मैंने आपको सालू करके बोलूँगी, ज्योति आपने आज तक मुझे ये भी नहीं बताया। ज्योति ओके, ज्योति बहन मैं यहाँ पे आया हूँ, क्या आप खुश हो? हाँ स्टॉप, शायद वो हर्ट हो रही हैं। ज्योति बहन क्या हमसे आपसे बातें कर रहा हूँ तो आप हर्ट हो रहे हो? आपको सब कुछ याद आ रहा है इसलिए मुझे? हाँ उन्होंने शायद मुझसे बात करने के लिए मना किया है शायद, क्योंकि मुझे लग रहा है ना सब कुछ उनको याद आ रहा हो इस वजह से है ना। बट उन्होंने मेरे को बोल, मैंने उनसे पूछा कि मैं आपको ज्योति बोलूँ या फिर सालू,
तो उन्होंने बोला कि मेरे को ज्योति करके बोलो। ज्योति बहन, मैं आपसे बातें करने आया हूँ। देखो, सब कुछ छोड़ छाड़ के इतनी दूर, आपको पता है मैं हर महीने के 4 दिन यहाँ पे आता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने। आपसे यहाँ पे आने के बाद मुझे कुछ एहसास होता है। क्या आस पास हो तो प्लीज़ मुझसे बातें करें बहन। पता क्या होता है, देखो हर कई लोग बोलते हैं ना कि मरने के बाद क्या इमोशन रह जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जो जो रूह होती है ना, जैसे इंसान जिंदा रहते होता है ना, वो मरने के बाद भी ऐसा होता है। तो इंसान दो तीन नाम जो बहन है ना, बहुत शरीफ थी एंड बहुत शरीफ क्या, लाइक बहुत सीधी बोल सकते हैं, तो वैसी थी। तो शायद उन्हें हर्ट हो रहा है। प्लीज़ बहन, आपसे बातें करने आओ, प्लीज़ मुझसे बातें करें। ज्योति बहन, क्या मुझसे आप बातें करोगे अब? हाँ ज्योति बहन, ज्योति बहन प्लीज मुझसे बातें करो। नो क्या अंदर एक डेड बॉडी जल रही है, किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है, इस वजह से आप मुझसे कह रहे हैं चले जाओ? हाँ दोबारा बोलेंगे मैं, क्या बहन किसी के अंतिम संस्कार हो रहा है, इस वजह से आप चाह रहे हो मैं यहाँ चले जाऊँ? हाँ लाइक क्या वही, हाँ इस तरफ। पता है गाइस सीन क्या होता है, देखो वो भाई मान रही है, तो अंदर ना किसी की रूह है, लाइक वो भटक रही होगी, इसलिए वो मुझसे कह रहे जाने के लिए, क्योंकि वो मुझे को हार्म पहुँचा सकती है, उनको लग रहा है। तो मैं उनको बोलता हूँ बहन देखो, वो मेरा कुछ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि मेरे पास लाइक सेफ्टी का सब है। क्योंकि ना आज देखो यार, अगर दिख रहा हो चांद पड़े है ना, फुल मून है, फुल मून में जो ये नेगेटिव जो होती है ना, सब बहुत एक्टिव होती हैं। तो शायद इसलिए वो कह रही हैं चले जाने के लिए, क्योंकि वो भाई मानती है यार, वो बुरा मेरा नहीं चाहेंगे, इसलिए मैं देखो मेरे से बातें करें, और मैं ऐसा वो मेरा कुछ नहीं कर सकते, और मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ, आपकी फ़ोटो भी, दोस्त मुझसे बातें करें, बस एक बार बातें करें उसके बाद चला जाऊँ। किसी के पैरों के चलने की आवाज़ आ रही है, देख रहे हो? वहाँ पे कोई था इसने कि वहाँ से कोई गया, जस्ट वहाँ से है, यहाँ पे शायद कुछ तो अजीब है, जिस वजह से ना वो मेरे को बोलने कि आप यहाँ चले जाओ। ज्योति बहन हाँ मुझसे बातें करें, बोलो क्या मुझे राखी बांधेंगी? हाँ तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, क्या आप मुझे राखी बांधने आएंगे आप? हाँ ज्योति बहन, ये रोने की आवाज़ आ रही है यार, ये बार बार ऐसा हो रहा है। ये आप रो रही हैं क्या बहन? ये आप रो रही हैं? हाँ किसी के रोने की आवाज़ भी आ रही है यार, क्या आप मुझे राखी नहीं बांध पा रही हैं इसलिए आप रो रही हैं? हाँ इसमें भी से भी रोने की आवाज़ आ रही है यार, आप मेरे को राखी नहीं बांध पा रही इस वजह से आप मेरे को आप रो रही हैं? बहन बोलो, क्या आप मेरे को राखी नहीं बांध पा रहे हो इसलिए आप मेरे आप रो रहे हो क्या? हाँ यार सच बता रहा हूँ, ये मोमेंट ना बहुत ही अजीब सा है, कि हम किसी राखी बंधवाने आए हैं, वो है यहाँ पे बट वो राखी नहीं बांध पा रही है। वीडियो बनाने का मन सा नहीं कर रहा, पता नहीं यहाँ पे अब पटपन इधर है, पकड़ इधर 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 कुछ कुछ दिख रहा था अंदर से, एक बार इधर 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 डब्बे में मूवमेंट लग रही है क्या बहन? आप डब्बे को मिठाई के डब्बे को आप हिला रहे थे, तो आप दोबारा ला के दिखा सकते हो बहन?
देख 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 बहन, मैं समझ गया, आप मुझे नहीं दिया जाना जाना, वो चाहती मैं रुकूं, वो ट्राई कर रही हैं। क्या रहा है, क्या क्या रहा है, पीछे कर पीछे कर पीछे कर, लगा कोई है। देखो यहाँ पे शमशान घाट है, यहाँ पे आत्माएं होना नॉर्मल बात है, यहाँ पे आत्माएं बहुत ज़्यादा हैं, और ये रोड पे बहुत लोग को बहुत सारी चीज़ दिखती, किसी के रोने की आवाज़ उन्हीं की है मेरे को लग रहा है, बट केवल मैं चला जाऊँ यहाँ से। वो डब्बा हिल रहा था, ना कहते क्या लाइट पट, क्या मैं चला रहा हूँ यहाँ से। राखिल 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 रही है, राखिल 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 रही है, राखिल रही है, राखिल रही है, राखिल रही है। लाइट में पड़ा, लाइट में पड़ा, गाइस अगर आप देख रहे हो तो राखिल रही है, राखिल रही है भाई, पास पास में जा, पास पास में बाढ़ ऐसी ऐसी। क्या बनी है आप हो, देखो पास में आके देखो, पकड़ियो, देख 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 देख, हाँ राखी में मूवमेंट है, गाइस राखी में मूवमेंट है, राखी हिल रही है, और सच में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, जब मैं वहाँ पे था तब कुछ नहीं था, वो मेरे को जाने को कहती, बट अभी राखी ला रही है। आ रहा है कैमरे पे, आ रहा है कैमरे पे, आ तो रहा है गाइस, ये देखो ये देखो देखो, थोड़ा पास चलते हैं, थोड़ा पास, थोड़ा हाँ, और डब्बे के पास जा रही है, राखी डब्बे के पास जा रही है। मैं अगर आप चाहते हो मैं यहाँ पे रुकूं, तो इन चीज़ों को दो आप हिला रहे हो, इनको आप, मेरे को लग रहा है आप उठाना चाहते हो, मेरे को बांधना चाहते हो, आप कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि यार ये इनकी एनर्जी इतनी भी नहीं होती कि, क्योंकि अभी ना इनकी एनर्जी जो पॉजिटिव है, लाइक ना भूत, जैसे भूत भी ना बहुत प्रकार के होते हैं यार, कई आपको हार्म पहुँचाते हैं, कई नहीं पहुँचाते, देखो ये मेरे को हार्म नहीं पहुँचाना चाह रही, बस वो ना अपने होने का एहसास करवा रही, वो चाह रही हैं राखी बांधना, वो चाह रही हैं मेरे को मिठाई खिलाना, वो चाह रही हैं कि मेरे को तिलक लगाएं। ओम पीछे 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 किधर, वहाँ पर, वहाँ पर सामने सामने, यहाँ पर अभी कोई गाइस, सच बता रहा हूँ, वीडियो में ना बहुत जगह बनाई है, बट ना जहाँ पे अपनापन होता है ना, यहाँ पे वीडियो बनाने के बाद ना जो लाइक जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, मैंने उनको सब कुछ बताया, तो उन्होंने बोला कि आज के बाद तुमने ये गलती तो कर दी, बट आज के बाद ऐसे मत करना, क्योंकि जो चीज़ें हैं ना, अगर वो आपको अटैच कर देंगे ना, वो लाइक आप उनसे अटैच हो जाओगे ना, तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। ये एनर्जी ठीक है, ये जो भी है वो ठीक है, बट आगे से किसी के साथ मत होना, आप वीडियो बनाने जा रहे हो वहीं तक रखना, आगे मत रखना। बट मैं इनसे कनेक्ट हूँ, मैं इनसे बातें कर लेता हूँ, मैं इनके पास आ जाता हूँ, मेरा आना ही बहुत होता है, लाइक उन्होंने मेरे को देख लिया, मैं उनके होने का एहसास मुझे हो जाता है। पीछे कुछ आवाज़ आ रही है, पीछे कुछ आवाज़ आ रही है, ओए ओ भाई, ये तो भी इस तरफ साइड देख, जहाँ पे लड्डू पड़ा है ना, हाँ था ये डब्बा और राखी दोनों, रोने की आवाज आ रही है। मैं ना आप नहीं बांध सकते, बट मैं अपने हाथ से खुद को ही राखी बांध रहा हूँ आपकी तरफ से, आपने इस राखी को, राखी को छू लिया, ये बहुत है, मैं बांध देता ना, बांधे आपकी तरफ से बहन, मैं ही बांध रहा हूँ, आप रोए ना, प्लीज ना रोए बहन, मेरे को अच्छा लग रहा कि आप रो रही हैं, मैं आता रहूँगा, मैं आता रहूँगा, मैंने बोला मैं आता रहूँगा बहन,
कुछ सीटियाँ बजा रहा है यार, ऐसा लग रहा है। प्लीज बहन ना रोए ना रोए, मैं आता रहूँगा, मैं आऊँगा बहन, आऊँगा, मेरा वादा है। आवाज़ नहीं आ रही है ब्रोनी की। गाइज कई लोग भी यही पूछेंगे कि ये मेरे हाथ में इस वाइट वाला इसमें क्या है, तो गाइज़ ये लाइक मेरा एक लक्षण है, मेरे को भगवान ने कुछ दिया है वो है ये, और लक्षण वो लक्षण नहीं कि इसके लक्षण अच्छे नहीं लग रहे, वो नहीं, ये दूसरा है कुछ, जो लाइक मैं दूसरा वर्ल्ड का दूसरा ही, एक चाइना में कोई है, एक सेकेंड मैं हूँ जो इंडिया में, और आई थिंक आई डोंट नो और भी कोई है कि नहीं, तो मैं वो हूँ। फिर उनकी रोनी की आवाज़ें बंद हुई, शायद वो खुश हैं कि मैं आया, और उनके नाम की मैंने राखी ही बांध ली। तो बहन मैं चलता हूँ और आऊँगा मैं जल्दी, बाकी ये मिठाई के डब्बा लेके चले, फिर छोड़ दे, लेके चलते हैं ना, मैं लेके चलते हैं क्योंकि उन्होंने टच किया। बहन क्या इस मिठाई के डब्बे को लेके जाऊँ मैं या फिर दोबारा कनेक्ट बुलाना बेकार है यार, हम लेके चलते हैं क्योंकि भाई भाई जैसा ही मानती है मुझे, तो कुछ गलत नहीं है, इसको लेके चल रहे हैं गाइस हम मिठाई के डब्बे को। कई लोग बोलेंगे तुम बड़े लालची हो कि मिठाई का डब्बा भी छोड़ के नहीं आए, वहाँ से रोड से उठा लाए, नहीं पता है क्या फिर उनको भी बुरा लगेगा, पता है क्या उनको भी बुरा ये भी लग सकता है कि वो भी मुझे भूत प्रेत ही समझ रहे हैं कि मैंने कोई टच चीज़ टच कर दी तो वो लेके नहीं जा रहे हैं। वीडियो अच्छी है, ये वीडियो एक ऐसी वीडियो थी जब मैं पहले बनाने आया था ना, तो मेरी आंखों में आंसू आए थे, अभी भी आ जाते हैं, बट मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करना सीख गया हूँ, बहुत चीज़ें करना सीख गया हूँ, जब मैं नया नया था, अभी भी काफ़ी टाइम हो गया। बाकी मैं यहाँ पे आता रहूँगा और यहाँ पे मैं अक्सर आता रहता हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें दिखती रहती हैं, और उन बहन से मिलने आने आते रहता हूँ, तो ये चीज़ें भी दिखती हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, वीडियो से लाइक करें, से चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब किए भी ना मत जाना। मिलते सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और बाय बहन बाय। भाई वो गिफ्ट कहाँ है? ओ भाई वो तो देखा ही नहीं हमने, गाड़ी के ऊपर रखा था। मैंने गाड़ी के पास रख दिया था, नहीं है, अरे ये मेरे को याद, मैंने ऊपर रखा था, मैंने अभी जिस मिठाई के डब्बे में वहाँ रख दिया, मैंने चेक भी कर लिया वो नहीं है, तो मैं एक बार बोल देता हूँ बहन, अगर आपने वो गिफ्ट ले लिया है तो मुझे लाइक कुछ साइन करके, हंसने की आवाज़ आ रही है, शायद वो भी खुश हैं, उन्होंने लिया क्या किया, बट बहन आपने ये लिया तो मुझे इसके बदले कभी ना कभी कोई गिफ्ट ज़रूर दे देना, यहाँ पे हम दोबारा कभी आएंगे, मुझे अच्छा लगा अभी फ़िलहाल, अच्छी वाइब्स आ रही है। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय यार, और बाय बहन।